बोलो। मैं हूँ, आप बताइए। बनवाती है लेकिन लेट से बनवाती हूँ। आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज, देश की आवाज। बेतिया एडन कॉलेज की छात्राएं प्राचार्य के अत्याचार से तंग आकर जिला पदाधिकारी के कार्यालय पहुंची और अपना दुखड़ा बयान की। दुखों से भरी दास्तान लिखकर जिला पदाधिकारी को सौंपी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगति त्रिवेदी, आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज। बेतिया जीएनएम कॉलेज की छात्राएं प्रिंसिपल द्वारा प्रताड़ित और अत्याचार की हद को पार करने के बाद सीधे जिला पदाधिकारी के कार्यालय पहुंची। छात्राओं ने जिला पदाधिकारी को ज्ञापन दिया जिसमें लिखा है कि इस कॉलेज में खाना पानी एवं अन्य प्रकार के अत्याचार प्रिंसिपल द्वारा किया जाता रहा है। कई बार लिखित आवेदन देने, उनके बार बार पैसे मांगने, निलंबित करने, निकाल देने और कई प्रकार की धमकियों से तंग आकर छात्राएं कॉलेज से निकलकर जिला पदाधिकारी कार्यालय पहुंची। हम लोग का स्टाइपन अब तक नहीं आया और 1.5 साल हो चुका है। हम लोग मैम के पास स्टाइपन के लिए शिकायत किया तो उन्होंने बोला कि चुप करो। आप लोग ज्ञापन कोई दिए डीएम साहब को? डीएम साहब के लिए हम लोग एप्लीकेशन लेकर आए। क्या कोई बात हुई उनसे? अभी तक तो नहीं, उन्होंने आया ही नहीं है। हम लोग को टाइम से कभी खाना नहीं मिलता है, नाश्ता नहीं मिलता है। जानवर की तरह हम लोग से व्यवहार करती है वो। हम लोग में बटन तो है नहीं। जब हम लोग कॉल करते हैं तो वो रिसीव नहीं करती है और बोलती है कि तुम्हारे हॉस्टल में तो चोर नहीं घुसाया है ना? नहीं, कंबल में नहीं ना घुसाया है। चुपचाप सो जा। हम लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं वहाँ पे। और क्या परेशानी? वादन नहीं है, हॉस्टल में 150 लड़की है, 2 ही बाथरूम है, उसमें भी गेट नहीं है। हम लोग खुले में नहाते हैं, एक भी वॉशरूम सही नहीं है। 150 लड़की में एक नल है, चापाकल भी सही नहीं रहता है। बहुत बार कह दिया गया, एक ही प्रॉब्लम बार बार कहना पड़ता है, पता नहीं उनसे सॉल्व भी नहीं होता। इसीलिए हम प्रिंसिपल को चेंज करना चाहते हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास गए हैं, उन्होंने भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया। सुपरिटेंडेंट खुद आया था, हमारा हॉस्टल देखा, लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया है। नाम हम लोग का नहीं, हम लोग का नहीं पता, मेडिकल सुपरिटेंडेंट का नाम नहीं जानते हम लोग। और जिला पदाधिकारी को एक लिखित आवेदन देकर अपने ऊपर किए जा रहे अत्याचार से मुक्ति पाने की गुहार लगाई है। मीडिया से अपनी विपदा सुनाते हुए खुद प्रिंसिपल ने बताया कि हमने बच्चों की एक एक दुख को सुपरिटेंडेंट तक पहुंचाया है। जब हमारे रिपोर्टर ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे तो देखा कि छात्राओं ने जो भी कंप्लेन किया वो बिल्कुल सत्य है। एक हॉल, 2 कमरे, 1 पंखा, 120 छात्राओं के लिए सिर्फ 2 वॉशरूम, बिना दरवाजे के 1 नल और 1 हैंडपाइप जो टूटा हुआ पाया गया। यह पश्चिम चंपारण का कैरिडोर पूरा से रूपांतर हाल है। आप देख रहे हैं ना आप लोग, इस समाज के जीएमसी 8 करोड़ का अस्पताल है। क्या बुरा है? माना कि पुराना बिल्डिंग है, माना कि पुराना ही बिल्डिंग है, लेकिन व्यवस्था बदल दी ना। इधर दिखाइए, आप इधर आइए। आप अगर यदि नगर परिषद के अगर समान सभापति को रुको दीजिए, 4 डस्टबिन लग पा रहे हैं, 4 डस्टबिन लग जाएगा। चलिए संदीप जी, नहीं एक काम कीजिए, आप यहाँ डस्टबिन में अपनी तरफ से रखता हूँ, डस्टबिन लगवा देता हूँ। लेकिन एक महीना 15 दिन अच्छा, ये चापाकल, ये चापाकल भी काफी दिनों से बंद पड़ा है। चापाकल चालू है, ये चालू है, ये चापाकल बंद है। पानी तो गंदा है, इसी पानी से खाना होता है। हेलो, हाँ सर, पहले देखिए पानी गिर रहा है कैसे, उसको
देखिए हमारे जिला के जो डीएम साहब हैं वो बड़ा स्वच्छ और ईमानदार भी हैं, उनको खबर तक नहीं होती है कि इतनी घटिया व्यवस्था है। अगर यदि उनको खबर हो जाएगी तो यहाँ तो डूब जा जाएंगे यहाँ डीएम साहब। अगर जिला पदाधिकारी को इसकी भनक तक लग गई ना मैडम, जिला का पदाधिकारी छोड़ेंगे नहीं। देखिए अभी मेरे कुंदन कुमार जी जो जिला पदाधिकारी डीएम है, अगर उनको इसकी भनक मिल जाए तो रात को 2 बजे भी आके इंक्वायरी कर सकते हैं, क्योंकि इतने नेक डीएम है। लेकिन यहाँ तो देखा जा रहा है कि गंदे पानी से भी बदतर ये पानी है, जहाँ खाने की। अब मैं कैंटीन में ले चलूंगा आपको, राकेश जी यहाँ पर हरा सब्जी का रूटी था ना। अरे आवाज मत कीजिए आप लोग, ये नहीं है, ये हरा सब्जी का रूटी आने दीजिए। अच्छा जी हम लोग ले चुके हैं, बच्चा सब आने दीजिए, आप बच्चे हैं ना आगे नहीं ना। अरे इधर देखिए ना, हम लोग आगे आगे नहीं है ना, फिर थोड़ा अच्छा इसमें उतार कहीं टंगवाती है, कपड़ा रस्सी वाला तार आता है, 5-10 मिनट का ऊपर लगा हुआ है सर, ऊपर आपको मैडम ये तो है। अच्छा ये रूम है, ये बच्चों का बिल्डिंग तो शिफ्ट होगा, जब चेंज होगा जब बन जाएगा पूरा जिला पदाधिकारी के समक्ष जाकर धरना प्रदर्शन कर रही है। अभी हम उसी अपार्टमेंट में मौजूद हैं, बड़ा जर्जर हाल है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जरा उस तरफ बच्चों की तरफ दिखाएंगे, ये जब जहाँ बच्चियाँ इन लोगों का रूम किधर है मैडम, नहाने का नहाने का थोड़ा बाथरूम दिखाइए। हाँ दिखाइए ना, लेकी चलता है ना, एक गोली की बड़ा दो है यानी कि 120 लड़कियां पारा पारी ना आती होती है जाता होगा। आगे जी इधर कहाँ मैडम, ये तो आप सिर्फ हमको लगता है फाइल मेंटर कर इसको डलवा दीजिए, सॉरी मैडम। अच्छा एक मिनट कैमरा चालू, आपके बच्चियों से बोलो जब जब ये खराब होता है मैं फोन बनवाता हूँ, कुछ भी ना बिना बताओ ये जब जब खराब होता है इसका क्या घट होता है कि नहीं होता। मैं हूँ बनवाती है लेकिन लेट से बनवाती हूँ। देखा दोस्तों आप लोगों ने, जब हमारी तहकीक इंडिया न्यूज की टीम मौके पर पहुंचकर प्रिंसिपल सुनीला मैम से मिलकर स्थिति का जायजा लिया तो लड़कियों की बताई हुई एक एक बात को सत्य पाया। एएनएम कॉलेज की प्रिंसिपल अनुसार हमने एक एक शिकायत को लिखित रूप में जीएमसीएच के सुप्रिंटेंडेंट प्रमोद तिवारी को दे दिया है। आपको बताती चलूं कि ये वही जीएमसीएच है जहां कुछ दिन पहले एक पीड़ित परिवार ने हॉस्पिटल और वहां के डॉक्टर पर सवाल खड़ा किया था। आपको बताती चलूं कि बदतर जिंदगी जीने को मजबूर छात्राएं अधीक्षक महोदय से मिलकर हकीकत बताई तो स्वयं उन्होंने प्रिंसिपल द्वारा कोई भी सूचना प्राप्त होने से इनकार किया और मीडिया कर्मी को बताया कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा।
पर निर्णय भी हो गया है कि उनको कहीं शिफ्ट किया जाएगा, ज़्यादा उम्मीद है कि नौकर दिया जाएंगे। सर इन्हें तो देखने भी हॉस्पिटल में काम करती हैं, हाँ फिर वहाँ से यहाँ करते हैं, नहीं तो वहाँ जब शिफ्ट हो जाएगा ना तो वहाँ काम करेंगे और इनका बाकी दर्द यहाँ में घर ही काम करेंगे, उनको अलग से अपार्टमेंट। ये उन्होंने ट्रेनिंग के लिए काम करते हैं, जहाँ रहेंगे वहाँ के अस्पताल में काम करेंगे, उनके रहने का जो फिलहाल जो व्यवस्था है वहाँ बताते हैं वहाँ उसमें तो उसके इसके मरम्मत के लिए मैंने जो बिहार मेडिकल सप्लाई और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन जो है उसको हमने लिखा है कि भाई जब तक नहीं शिफ्ट होता है तब तक मरम्मत तो कराइए, तो मरम्मत के लिए किया हुआ है। आज आज जो है BMSICL का जो कंसल्टेंट है DDF वो गया है। सर हम आपके साथ 10 मिनट बैठकर बात करना चाहते हैं, वो भी न्यूज़ के साथ, क्योंकि सर हम जिन बच्चियों से भी हम लोग वादा किए हैं सर वो स्कैंडल है। सर एक नल चल रहा है, 118 बच्चियाँ उसमें रह रही है, इतनी गंदगी में रह रही है, वो जिंदगी में जा रही है, एक पंखा है पूरे हॉल में सब रिकॉर्ड। सचिव जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, सर हम आपसे बात करना बस थोड़ा सा पाँच चाहिए, चलते गाड़ी में इंटरव्यू दे दीजिए, चाहे आगाम बढ़ते हैं उत्तर दे दीजिए, चाहे जैसे आप दे दीजिए, ठीक है। आप बता दिए ना, बात यही है हमको तो सर, ठीक है सर, हम आपके बयान के बाद सर हम DM साहब से मिलकर बयान लेना चाहते हैं। हाँ जी, DM साहब को पता है जी सर, इस पर सर हम सिविल सर्जन से आपसे सर, चूँकि हमारी भी बच्ची नहीं नहीं बुरा हाल है सर, नहाने का हाल है, मालूम है हमको सर, आप गार्डियन है हॉस्पिटल। हाँ लेकिन जो जो हम लोग से हो सकता है वो तो हम लोग तत्काल करेंगे, बाकी आप थोड़ा सर से 5 मिनट का वीडियो ले लीजिए सर, हम आपके साथ बैठना चाहते हैं, या तो फिर आप हमको बाहर निकल दे दीजिए या सर हमको बैठ कर दे दीजिए। तब जाकर जिला पदाधिकारी के आश्वासन से संतुष्ट होकर लौटी छात्राएं। दोस्तों हमारी ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, धन्यवाद।